वेलकम टू ट्रू शेयर बाजार दोस्तों, फिर से एक धमाकेदार स्टॉक के साथ एक धमाकेदार वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल को चेक करेंगे, फिर इसके बिजनेस के बारे में जानेंगे, फिर इसके शेयर प्राइस के टारगेट्स को जानेंगे, फिर चर्चा करेंगे कि स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो उसके सेल्स और प्रॉफिट के डेटा को जरूर चेक कर लें, यानी लास्ट के वन ईयर का, तीन से चार क्वार्टर का रिजल्ट आप जरूर चेक करें। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगी। प्रेजेंट देखना बहुत ही जरूरी है, पास्ट देखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पास्ट देख लेंगे आप तो उससे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में कैसे काम करेगी। प्रेजेंट में जो है वही फ्यूचर के लिए अनुमान सही लगाने का एक सही तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सितंबर 2021 में कंपनी ने 2612 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में इनका सेल्स बढ़ा है और 6235 करोड़ का सेल्स हो चुका है, यानी इनके सेल्स हर क्वार्टर में बढ़े हैं। वहीं प्रॉफिट की बात करेंगे तो 118 करोड़ के इनके प्रॉफिट थे, जो कि बढ़कर 300 करोड़ तक हुए। उसके बाद लास्ट दो क्वार्टर में गिरावट आपको देखने को मिली, देख सकते हैं 300 करोड़ के बाद 262 करोड़ और फिर 245 करोड़, यानी यहाँ पर जो है गिरावट कम है। तो 245 करोड़ की लास्ट का इनका प्रॉफिट रहा है, लेकिन आप अगर लास्ट के सितंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से जंप है। अभी एनालिसिस और बाकी है। वैसे ज़्यादातर मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो स्टॉक इस तरीके से सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं वही स्टॉक मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो चलिए आगे बात करेंगे। कंपनी का आप देख सकते हैं एक एक साल का रिकॉर्ड, ये चार साल का रिकॉर्ड है। कंपनी ने मार्च 2020 में 9698 करोड़ का सेल्स किया था, फिर नेक्स्ट ईयर ये सेल्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, जो कि 8281 करोड़ का इनका सेल्स रहा। लेकिन लास्ट के थ्री ईयर को आप देखेंगे तो देख सकते हैं 8000 से 12000 और 12 से 20000 करोड़ के इनके सेल्स हो चुके हैं, यानी लास्ट के थ्री ईयर से कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कर रही है। वहीं प्रॉफिट की बात करेंगे तो 384 करोड़ के जो प्रॉफिट थे 2021 में, वो बढ़ करके 1041 करोड़ हो चुके हैं, यानी 384 से 700 और 700 से 1041 करोड़ के प्रॉफिट हुआ है। यानी कंपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों मेंटेन करके चल रही है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए ये आपको मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये लॉन्ग हिस्ट्री है। मार्च 2011 में कंपनी ने 5451 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि हर साल बढ़ते हुए इस बार 20000 करोड़ के आसपास का सेल्स हो चुका है। यानी 2011 से 2023 में 5 से 20000 करोड़ का सेल्स, ये बहुत ही बड़ी बात है, जो कि लगभग चार गुना के आसपास सेल्स बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट देखेंगे तो 245 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो 1041 करोड़ के हो चुके हैं, यानी चार गुना से ज़्यादा इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, 250 करोड़ के से सीधा 1000 करोड़, बहुत ही बड़ा जंप है। वहीं कर्जे की बात करेंगे तो पहले 516 करोड़ का कर्जा था, जो कि बढ़कर 4814 करोड़ हुआ, लेकिन कंपनी ने फिर से अपने कर्जे के दबाव को कम किया है और 3084 करोड़ का कर्जा बना हुआ है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्यों दोस्तों? क्योंकि जितना इनके ऊपर कर्जा है ना, इतना तो इनके पास कच्चा माल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं इससे कर्जे से ज़्यादा इनके पास रिजर्व है, जो कि 3889 करोड़ के हैं, यानी कंपनी कर्ज मुक्त होने के साथ साथ कैशेज भी है। इसका और एग्जांपल आप देखिए, कंपनी के पास टोटल 13000 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 3000 करोड़ का अगर कर्जा दे भी देंगे तो 10000 करोड़ के टोटल एसेट्स बचेंगे, यानी और जो कि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री यानी कच्चा माल 3000 करोड़ के आसपास का है, तो कर्ज से ज़्यादा तो इनके पास कच्चा माल रखा हुआ है, यानी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के स्टॉक का जो रियल बुक वैल्यू है वो 80 रुपीज के आसपास का पर शेयर है। स्टॉक का ROCE 15% के आसपास है, ROE 16%, प्रॉफिट ग्रोथ 94% की है, 94% की, और सेल्स ग्रोथ लगभग 90% के आसपास है। यानी ये जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं इस शेयर को। प्रमोटर होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, 75% के आसपास के प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 3% के आसपास FIIs के पास, DIIs के पास लगभग 1% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास 20% के आसपास की हिस्सेदारी है। आप देखेंगे ये FIIs और DIIs के पास जो स्टॉक होता है ये लोग क्या है, लॉन्ग टाइम में सेल करते हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं ये लगभग 3 से 4% की हिस्सेदारी भी इसमें अगर जोड़ लेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहती है, ये सेलिंग नहीं होती है, तो लगभग 80% के आसपास प्रमोटर के पास ही हिस्सेदारी रखी हुई है, ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड नहीं होती है, मात्र 20% की हिस्सेदारी है जो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। अब बात करेंगे इनके बिजनेस की, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बनाने का काम करती है, ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है,
जिसमें 75% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, यानी ये जो बनाती है केमिकल्स, ये दूसरी कंपनी को सेल करती है, जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जिनमें यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से इनको 14% का रिवेन्यू यानी सेल्स हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21 में, जहाँ पर ये क्या क्या बनाते हैं आप देख सकते हैं। डाइस बनाते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं, लेदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस टाइप के बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। अब आप देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने 4.28 यानी 4.28 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन किया था, जो कि पिछले साल का कंपेयर कर सकते हैं 1.71 लाख था, यानी पहले जो इनकी प्रोडक्शन था वो कम था, लगभग 1.5-2 लाख मीट्रिक टन का था, जो कि बढ़कर 4 लाख मीट्रिक टन का हो चुका है। वहीं आप देखेंगे इसके अंदर कंपनी एनमेल्ट अमोनिया, एबीसी, डीएनए, नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, फॉर्मिक एसिड, इस टाइप के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अब इंडस्ट्रियल के अलावा आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी ने 86% का रिवेन्यू जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 21 में। और फर्टिलाइजर्स के अंदर कंपनी क्या क्या बनाती है, तो आप देख सकते हैं यूरिया, NPNPK और बायो फर्टिलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है। और इनका जो ब्रांड है यानी मार्केट में किस नाम से प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो आप देख सकते हैं उज्ज्वला, सुफाला एंड बायोला, इस टाइप के कंपनी ने ब्रांड बनाए हुए जो कि मार्केट के अंदर सेलिंग हो रहा है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो दो है, यानी इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दो है, एक तो है ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर है, और एक मुंबई से दूर 100 किलोमीटर दूर थाल है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर है। ये दो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो आप देख ही चुके हैं, यूरिया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, सॉइल कंडीशनर्स, और इस टाइप के बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी बनाती है। और प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसे पाउस करके, कि कंपनी जो है पिछले साल कितना प्रोडक्शन किया था, इस साल कितना किया है, आप यहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं वीडियो को पाउस करके। एक ये पेज भी है, इसे भी आप पाउस करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक्सपोर्ट की बात कर लेंगे तो कंपनी ने 120 मीट्रिक टन सुफाला प्रोडक्ट शारजा को एक्सपोर्ट किया यानी विदेश में भेजा है। और कंपनी बहुत ही पॉपुलराइज हुई अमोनियम का बाइकार्बोनेट को लेकर के, ये ओवरसीज मार्केट के अंदर अमोनियम बाइकार्बोनेट में काफ़ी पॉपुलर हुई है। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन यानी रुकावटों की वजह से कंपनी जो है एक्सपोर्ट के अंदर फोकस नहीं कर रही है। अब बात करेंगे कंपनी का नया प्रोजेक्ट की, तो कंपनी ने कोल गैसिफिकेशन प्लांट के लिए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के कर रही है। इस रिवाइवल प्रोजेक्ट भी है इनके, यानी गवर्नमेंट के जो यूरिया के प्लांट थे 5 वो बंद हो चुके थे, उनमें से 2 प्लांट के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें पार्टनरशिप के लिए चुना है, यानी ये RCF जो है अब उन प्लांट को चलाएगी। अब बात करेंगे शेयर प्राइस के टारगेट्स की, तो आप देख सकते हैं वैशाली पारेख जो कि एक्सपर्ट है प्रभुदास लीलाधर की, इन्होंने 107 रुपये का टारगेट दिया, HDFC सिक्योरिटीज ने 127 रुपये का, और कोटक सिक्योरिटीज ने 200 रुपये तक का शेयर प्राइस का टारगेट दिया है। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से लिया है, तो इसका सोर्स मैंने नीचे दे दिया है, LiveIn.com, GB.com और द इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने ये सारे जो है जानकारी जुटाई है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक के गुड और नेगेटिव पॉइंट की, तो आप देख सकते हैं गुड पॉइंट, कंपनी गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है 3.89% की दर से। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी। कंपनी 5 सालों से लगातार 27% की CAGR से गुड प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रही है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि लगभग 49% के आसपास है, और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है, जो कि 75% के आसपास है। और नेगेटिव पॉइंट मुझे दोस्तों नहीं मिला, यानी छोटे मोटे पॉइंट है जिसे मैंने इग्नोर कर दिया है। तो अब बात करेंगे स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों अगर कोई मुझे पूछे कि सर आप क्या करेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल मैं इसके अंदर 97 रुपये के आसपास बिल्कुल फ्रेश बाइंग करना पसंद करूँगा। लेकिन मेरी ट्रिक ये रहेगी कि मैं इसके अंदर फ्रेश बाइंग करने के बाद जो टारगेट्स दिए इन्होंने उसके आसपास भी अगर स्टॉक पहुँच जाता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उससे पहले मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। मेरी यही स्ट्रेटेजी इस स्टॉक के साथ रहेगी, यानी मैं बाय करूंगा रिजल्ट आने के बाद और फिर से सेल कर दूंगा रिजल्ट आने से पहले। ये मैं प्रोसेस इस स्टॉक के लिए फॉलो करना पसंद करूंगा।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।